चलिए नीट के सॉल्यूशन के, हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम के आपके पार्ट थर्ड में वेलकम है, वेलकम हिंदी मीडियम के लिए। समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग किसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में, गॉस के नियम से रिलेटेड, और इसका जो उपयोग है, एप्लीकेशंस है, उसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए नीट में अभी तक, कब से लेके 1988 से लेके 2021 तक के। ये पार्ट थ्री हमारा, पार्ट वन और पार्ट टू आप देख चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, क्या कह रहा भैया, किसको कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एक गोला इतने आवेशों के एक विद्युतीय द्विध्रुव को घेरता है। अच्छा है गोलू, ये हमारा गोलू, ये किसको घेरे हुए है, द्विध्रुव को घेरे हुए है। एक हमारा चार्ज प्लस वाला यहाँ है -6, और माइनस वाला यहाँ है -3 × 10⁻⁶। ऐसा घेरे हुए गोले के आर पार कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। भैया गोले के आर पार विद्युत फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, नेट चार्ज, कुल आवेश इस गोले के अंदर कितना है। तो कुल आवेश गोले के अंदर कितना है, +3 × 10⁻⁶, अब प्लस -3 × 10⁻⁶, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं इस गोले के अंदर कुल आवेश कितना, जीरो के बराबर। तो phi equals to क्या होता है, Q/ε0, चूंकि आवेश शून्य है तो ये भी हमारा फाइव भी क्या हो जाएगा, फाइव भी हमारा शून्य हो जाएगा। चलिए तो पहला का शून्य आंसर हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, त्रिज्या आर के किसी खोखले धातु के गोले को एक समान आवेशित किया गया है, ठीक है। त्रिज्या आर मतलब एक आर त्रिज्या का एक खोखला गोला आर, ठीक है, एक समान आवेशित किया गया। खोखला गोले को आवेशित किए तो कुछ आवेश कहाँ जाएंगे, सारे के सारे आवेश इसके सतह के ऊपर रहेंगे, अच्छी बात है। केंद्र से दूरी r पर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अब इस केंद्र से r दूरी यहाँ से स्टार्ट हो गई, कहीं तक भी जा सकती है, अंदर भी r हो सकता है, ये r बाहर का भी हो सकता है, ये r सतह का भी हो सकता है, जिस सतह पे रेडियस कैपिटल r है। तो कह रहा है तो हम लोग जानते हैं यदि हम सतह के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि जब बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, E बराबर होता है हमारा 1/4πε0Q/r². ये किसके लिए होता है, इस सतह से बाहर के लिए, और सतह पे की बात करते तो ये होता हमारा 4πε0 × Q/r। ये सतह की बात करते हैं तो सतह पे होती है, अच्छी बात है। तो कह रहा है जब r बढ़ता है, मतलब कहां से बढ़ता है, इस केंद्र से बढ़ता है, तो r जब तक, कब तक बढ़ता है, जब कैपिटल r से छोटा हो, मतलब इस वाले से जब तक r छोटा है तब तक। अब r जब r बढ़ता है तो r रिलेशन इतना, और r जब ग्रेटर होता है के लिए बढ़ता है, कुछ लाइन चलो, जब r बढ़ता है तो r के लिए घटता है, मतलब r जब बढ़ेगा इसके लिए बढ़ेगा, बढ़ना तो है नहीं, जो यहां से आगे तब जाएंगे तो r² मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र जो होता है 1/r² तो इसकी वैल्यू जो ही बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ये घट कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म। ये तो सही है कि भैया आर की वैल्यू बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो, घटेगी, लेकिन आर के बढ़ने से ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तीसरा कह रहा है जब आर बढ़ता है, कब तक, कैपिटल आर से जब तक छोटा आता है, के लिए शून्य होता है, अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जब तक आर कितना भी बढ़ा लो सतह को पार नहीं करेगा या सतह तक नहीं पहुंचेगा तो ये क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, और जब आर ग्रेटर देन हो जाता है कैपिटल आर से तो घटना शुरू होता है, स्वाभाविक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगा ही, तो आंसर क्या होगा हमारे इसका, सी। ते दो समानांतर अनंत रैखिक आवेश घनत्व इतना इतना है मुक्त आकाश में 2r दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, इन दो रैखिक आवेशों के बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमारा प्लस वाला और ये हमारा माइनस वाला।
यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी 2r। इसके मध्य में मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है फील्ड कितना होगा किसके कारण, इस वाले प्लस वाले के कारण और माइनस वाले के कारण, यही पूछा जा रहा है। तो यदि आप जानते हो डायरेक्ट वैल्यू निकालना तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सीख लेते हैं। ये यदि प्लस वाला है तो गॉस थ्योरम का यूज करके हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, गॉसियन सतह खींचते हैं, ठीक है। अब इसके कारण, इस लाइन चार्ज के कारण इस फील्ड क्या होगा, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का दिशा इस तरफ, यहां पे भी इस तरफ और इस तरफ ऐसा, लेकिन यहां पे क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ, यहां पे क्षेत्र की दिशा इस तरफ और यहां पे क्षेत्र की दिशा इस तरफ। तो यहां पे क्षेत्र के साथ 90 का कोण, यहां पे 0 डिग्री का कोण, यहां पे 90 का और यहां पे कितने का, यहां भी 90 का। तो यदि हमको निकालना है इसका, क्या चीज निकालना है, विद्युत क्षेत्र, गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं और हम लोग निकालते हैं क्या होता है, गॉस थ्योरम के हिसाब से phi equals E dot ds is equals to q by epsilon naught, ये होता है। चलिए सबसे पहले हम किसके लिए लिख लेते हैं, चलिए phi किसके लिए लिख लिए, a वाले के लिख लिए, हम a वाले के लिए लिखते हैं, a वाले के लिए तो इसको लिखेंगे E ds cos, a वाले में एरिया ds, ds किसके लिए, a के लिए, और विद्युत क्षेत्र E के बीच में कितने का कोण 90 का, प्लस किसके लिए, अब b वाले एरिया के लिए, ये हमारा b वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये b वाला, ये वाला a और ये वाला हमारा नीचे वाला जो होगा वो c, जैसे ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ये हमारा जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर का ये वाला जो एरिया होगा ये, इसको हमने बी बोला, ये पूरा का पूरा, ये वाले एरिया को हमने क्या बोला ए, और इस वाले एरिया को हमने क्या बोला सी। तो ये ए वाला एरिया, ये हमारा बी वाला और ये हमारा सी वाला एरिया, ठीक है। चलिए तो ए वाला जो हमारा एरिया है वो इसका दिशा किधर, ऊपर की तरफ, सी वाले की दिशा नीचे की तरफ। तो ये एरिया और ये विद्युत क्षेत्र कितने का कोण बनाए 90 का, जबकि ये वाला एरिया जो इसका ये वाला है तो ये कितने का कोण बनाएगा 90 का, जबकि ये वापस से कितने का बनाएगा 90 का। तो B वाला के साथ लिख सकते हैं E ds किसका, B का, ये A का cos 0 डिग्री, और अब चलिए C वाले के लिए लिख लेते हैं, C वाले के लिए E ds किसके लिए, C के लिए cos 90 डिग्री, किसके बराबर q by epsilon नॉट के बराबर। तो cos 90 कितना 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस E कांस्टेंट बाहर रख लिए, और ds किसके लिए b के लिए, और cos 0 1 प्लस ये वापस से cos 90 0 बराबर q by epsilon नॉट। चलिए ये हमारा ठीक है। अब इसका हम बात करें तो E एरिया कितना होगा, इस वाले का एरिया, इसका एरिया होता है कितना, क्योंकि ये रेडियस कितने दूरी पर हमको यहाँ चाहिए r डिस्टेंस पे, तो इसका भी रेडियस हमने r मान लिया, तो r डिस्टेंस पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा 2 पाई r इंटू l, जो इसकी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हमने मान लिया l, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r इंटू l बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से Q by epsilon naught into 2 pi R L। यहाँ से बात करें Q by L equals to linear charge density, तो यहाँ लिखा जाता है ऐसा divided by 2 pi epsilon naught R। ये किसके कारण, एक लाइन चार्ज के कारण, तो ये हमारा इसके कारण हो गया एक के लिए। अब ये चूंकि क्या है धन आवेशित है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ, इस तरफ, चूंकि ये ऋण आवेशित है, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ, नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश की तरफ। तो मतलब टोटल यहाँ पे फील्ड की बात करते हैं, एक ये मतलब 2E के बराबर। तो यदि 1E बराबर इतना है तो 2E बराबर क्या होगा,
2e बराबर हो जाएगा हमारा दिस बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो नीट हुआ तो क्वेश्चन तो इजी होना ही है, तो तीसरा का आंसर हमारा डी। चौथा क्या रहा है, एल भुजा की एक वर्गाकार सतह पेपर के तल में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में है जो उसी स्थान के अनुदिश वर्ग की क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, ये हमारा एल भुजा वाला है और क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा, अच्छा रखा हुआ है, तो चित्र में प्रदर्शित है, तब सतह से जुड़े विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट मीटर में क्या होगा। अरे भैया हमरे ये सतह है, इधर से कोई आया इधर निकल गया, इधर से आया कोई इधर निकल गया, चाहे ऐसे आके ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे कैसे भी निकले, आया और गया राम, जो आया और चला गया उसके कारण फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में उसने कोई भी चार्ज नहीं छोड़ा, अंदर क्यू क्या है हमारा जीरो। यदि अंदर क्यू जीरो होगा तो फाई कोस टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई मतलब जीरो, तो फाइव क्या हो जाएगा जीरो, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा जीरो, इसको लिख सकते हैं शून्य। सेम वही कहानी दिखा रहा है कि एल मीटर भुजा का एक वर्गाकार तल का तल कागज पृष्ठ पे स्थित है, कागज पृष्ठ के क्रियाकारी एक अचर विद्युत क्षेत्र ई वोल्ट चित्र में दिखाया अनुसार वर्गीय तल के केवल निचले अर्धभाग में सीमित है, तल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रकों में होगा। अब चूंकि ये आयो है और यहाँ से निकल गयो है, तो आया राम गया राम के लिए क्या, अंदर में कोई चार्ज नहीं छोड़ेगा, मतलब क्यू इक्वल टू जीरो, तो फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई दिस, मतलब जीरो फाइव की वैल्यू, ये भी हमारा आंसर क्या देगा शून्य देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक भुजा के किसी घन के एक कोने पर एक बिंदु आवेश क्यू रखा जाए तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स होगा। एक घन बना लेते हैं, घन घना घन घन, ये हमने बना लिया घन घन घन, अच्छी बात है। इस घन के एक कोने पर एक बिंदु आवेश क्यू को रखा गया, चलिए एक कोना हम पकड़ते हैं इस बहादुर का, ये कोना पकड़ लिए, इस पे कितना चार्ज को रखा गया है क्यू आवेश को रखा जाए, तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स, तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा। इस बहादुर से जो विद्युत रेखाएं निकलेंगी वो यहां से पास करेंगी, यहां से पास करेंगी और कहां से, सामने वाले से पास करेंगी। ठीक है, तो इसके कारण बोल रहा है फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया इस कोने पर रखोगे तो आवेश का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर होगा, आवेश का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर होगा, तो कोने पर जो ही रखते हैं हम, तो ये मान लो हमारे पास क्यूब है, ठीक है, इस कोने पे यदि हम रखेंगे किसी आवेश को तो उसका एक हिस्सा के क्यूब लगाएंगे तो ये पकड़ेगा इधर इधर, मतलब टोटल आठ क्यूब हम जब लगाएंगे तब जाके वो आवेश को पूरा कवर करेगा, तो एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा रहेगा, तो अभी क्या आठवां हिस्सा रहेगा, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितने जाएंगे क्यूब बाई एट, तो फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाइव इक्वल्स हम लोग जानते हैं कितना होता है आवेश बट्टा आवेश, तो आवेश कितना है इसपे q बाई एट, तो लिख सकते हैं q बाई एट एप्सिलॉन नॉट, तो q बाई एट एप्सिलॉन नॉट हमारा सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहे, एक आवेश q त्रिज्या r के किसी गोलीय गोलीय पृष्ठ के परिबद्ध है, यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यदि कोई आवेश क्या है आर त्रिज्या के, ये हमारा आर त्रिज्या का है और आवेश क्यू को इसके अंदर रख दिया गया है, तो कह रहा है इसके कारण फ्लक्स पहले क्या होगा, इसके कारण फ्लक्स क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कह रहे भाई दुगुना कर दो त्रिज्या को, कितना कर दो टू आर कर दो, तो इसके कारण क्या होगा, अब कितना भी एरिया पर आ दो आवेश तो वही है, तो आप फॉर्मूला क्या होता है फाई का, फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश पहले भी क्यू था अभी भी क्यू है, तो दोनों केस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, तो हम कह सकते हैं वही रहेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलम का आवेश स्थित है। चलिए एक खोखला वाला बेलन है, हमको फिगर में दिख रहा है, इसके अंदर क्यू आवेश स्थित है, अच्छी बात है।
यदि चित्र अनुसार वक्र बी से संबद्ध वैद्युत प्लस वोल्ट मीटर मात्रकों में फाई है, यदि इस वाले सरफेस से सतह से फाई फ्लक्स है, ठीक है बता रहा था क्वेश्चन में, तो समतल ए से संबद्ध फ्लक्स, तो बताइए भैया इसके कारण जो फ्लक्स होगा, चलो इसको हमने फाई ए माना, वो कितना होगा? तो ये जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही बड़ा क्षेत्र ये भी होगा। तो यदि यहाँ से क्या निकला, फाई ए निकला, चलो यहाँ से फाई ए निकला, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, फाई सी, और फाई सी किसके बराबर होगा, फाई ए के, क्योंकि दोनों का क्षेत्र क्या है, क्षेत्रफल सेम है। तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो आगे लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना होगा, तो बात करते हैं, तो किसके कारण, फाई ए के कारण प्लस फाई बी के कारण प्लस फाई सी के कारण किसके बराबर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ए के बराबर कितना, चलिए इसको हम मान लिया कितना, चलिए जो भी है वही मान लेते हैं फाई ए, बी के कारण फाई, और सी के कारण कितना, डी फाई ए। अब चूंकि ये दोनों सेम सेम, तो लिख सकते हैं 2πa प्लस फाई बराबर कितना, q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई 2πa बराबर क्या हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो फाई ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आसान है क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा करके आराम से ठंडे दिमाग से समझिए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन के केंद्र पर एक आवेश Q स्थिर है। चलिए एक घन घना घन घन इसके केंद्र पे यहाँ पे Q आवेश स्थित है, ठीक है। किसी एक फलक से निकलने वाला विद्युत फलक्स है, किसी एक फलक से, मतलब ये इसका एक फलक, ये हमारा दूसरा क्या होगा फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, एक सामने वाला फलक, जैसे ये हमारे क्यूब है इसके सेंटर पर रखे थे 1, 2, 3 पीछे वाला 4, 5 और 6 टोटल 6, तो किसी एक से पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा, क्यूब का 6 से पूरा का पूरा निकलना था, कितना निकलना था, फाई क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता, ये टोटल 6 के लिए होता, तो किसी एक से पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, इसका 6 से भाग कर देंगे तो हमारा क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ये हमारा हो जाएगा। तो यह एक किसी के साथ तो मिलता जुल तो रहा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से बनाते हैं, तो इसको हम यदि 4π क्यू ऊपर भी कर लिए और 6 4π एप्सिलॉन नॉट ऊपर नीचे 4π से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो अब तो मिलता हुआ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब 10th की बात करते हैं, 10वीं में चलते हैं, क्यू माइक्रोकूलम आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ, ठीक है भैया घन के कितना, घन के केंद्र पर रखिएगा, ये हमारा घन है, ऐसे केंद्र से क्या रख दिए, माइक्रोकूलम को रख दिए, ठीक है। तो प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, प्रत्येक से, तो प्रत्येक का मतलब टोटल कितने हैं इसके पास, 6 होते हैं, जस्ट बताए 6 होते हैं, तो प्रत्येक से एक से कितना निकलेगा, एक से कितना निकलेगा भैया, Q by 6 epsilon naught, Q micro coulomb by 6 epsilon naught, अब micro का मतलब कितना होता है, 10 to the power minus 6 और 6 epsilon naught, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q by 6 epsilon naught into 10 power minus 6। एक आवेश Q को एक घन के किनारे पे रखा जाता है, इसके प्रत्येक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, पहली बात तो हर एक फलक से निकलेगा नहीं, ये हमारा क्यूब है, थोड़ा सोया हुआ क्यूब है, इस क्यूब को एक घन के किनारे पर रखा जाता है, रख दिए, तो इसके प्रत्येक फलक से निकलने वाला विद्युत फलक क्यूब का कितना हिस्सा भैया, क्यूब के अंदर इसका कितना हिस्सा अंदर होगा, क्यू बाई 8 हिस्सा अंदर होगा, जिसके कारण हमारा फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा 11th का कौन सा हो जाएगा, बी, 11th का बी।
तो 12th कह रहा है एक घन L भुजा वाले के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यों रखा गया, घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब इसमें क्या तकलीफ है भैया, ये भी हमारा एक घन घनाघन, वापस से इसके कहाँ रखा गया, मध्य बिंदु पे एक आवेश क्यू को रख दिए, ठीक है ओके। घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, प्लस यहाँ रखे तो घन से कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा सीधी बात, 12 का डी, इतना लंबा थोड़ा आंसर देख के डर जाएगा इंसान भाई। चलिए 2010 मेंस का क्वेश्चन है, 8 या किसी आवेशित चालक गोलीय ठोस या खोल के केंद्र से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। 8 त्रिज्या का वो खोलू ले लिए, गोलू का खोलू ले लिए, ठीक है, उसके केंद्र से कितनी दूरी पर, 3R/2 कहाँ जाएगा, स्वाभाविक है गोलू से बाहर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है, यदि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, अच्छी बात है। इसे केंद्र से आर बाई टू दूरी पे, मतलब इसे केंद्र से कितने दूरी पे, आर बाई टू पे हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा। भैया अंदर में तो खोलू हो या खोलू है, तो खोलू का सारा सारा आवेश कहाँ होता है, सतह पे, अंदर में तो कोई आवेश नहीं होता, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा हमारा, जीरो या शून्य, तो हमारा 13 का डी। एक खोखले चालक गोले जिसकी आर की वैल्यू देखिए 2 मीटर को इतना माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है। चलिए खोखला है, इसका त्रिज्या कितनी दी गई, 2 मीटर दे दी गई है, इसको कितना आवेश दिया जाता है, प्लस 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो उसे केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या पूछ लिया भैया, तो जो ही खोखला है तो सारा आवेश कहा, उसकी सतह के ऊपर, तो केंद्र पर कोई आवेश ही नहीं होगा, मतलब क्यू बराबर जीरो, तो क्यू जीरो मतलब विद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, जीरो, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, शून्य, तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। 15 की बात करें, एक निश्चित क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर है, मतलब यहाँ पे क्यू है, इससे बाहर की ओर त्रिज्यीय रूप से है, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा 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 है ओके, और कार्य कर रहा है, ठीक है। जहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी दी गई है, V equals to A into A, अच्छी बात है, द्वारा दिया गया है। क्षेत्र के मूल बिंदु पर केंद्रित A त्रिज्या के एक गोले से निहित आवेश निम्न द्वारा दिया जाएगा। अब बोला यदि इसका सेंटर जो है उसको एक गोले के अंदर डाल दिया जाए, तो इसके कारण हमारा क्या हो, क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, क्यू क्या होगा, ये आवेश की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम के हिसाब से, क्या जानते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का दिशा भी क्या होगा, बाहर की तरफ, मतलब इसको डी एस की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, और फील्ड की भी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का, इसको हम लिख सकते हैं, ई बाहर आ गया, डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई का ई, ये हमारा डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये गोलू है जिसका रेडियस कितना दे दिया गया, ए त्रिज्या का, मतलब यहां से यहां तक का रेडियस कितना है, ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, 4πa2, तो यहां से लिख सकते हैं e इंटू 4πa2 बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4πε0 e इंटू a2, और e की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई है e की वैल्यू, कितनी E की वैल्यू हमको दी गई है, E बराबर कैपिटल A इंटू स्मॉल A, वैल्यू पुट कर देते हैं, Q बराबर हमारा 4πε0, E की वैल्यू कैपिटल A स्मॉल A करेंगे, तो कैपिटल A स्मॉल A इंटू a2, तो ये हमारा हो जाएगा 4πε0 a³, ये किसके साथ मैच कर रहा है, 4πε0 a³ a³, तो हमारा 15 का आंसर क्या हो गया, B। तो ये क्वेश्चन से किससे
पहले वाले आपके अध्याय से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से ये सारे क्वेश्चन नीट के समझिए, आराम से बनाइए।